गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 22 मई 2021 सैटरडे। चलिए हर दिन की तरह शुरुआत हम करते हैं वर्ड्स ऑफ द डे से। और हमारा आज का वर्ड्स है बर्ड। बर्ड मीन्स कली। कली क्या है तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेना जरूरी है। इसको मैं इंग्लिश में कि ये फ्लावर, लेकिन केवल फ्लावर नहीं और लीफ दैट इजंट फुल्ली ओपन। हम कहेंगे लीफ कैसे हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। फ्लावर मीन्स हम लोग फूल्स केवल समझ लेते हैं, नहीं जी आम का मंजर वगैरह भी है, वो भी एक प्रकार का फूल है ना। तो इसलिए किसी भी प्रकार का, ये जो बोगेनविलिया होता है जो गेट वगैरह पे लगाते हैं, इसमें क्या है, इसके फूल में केवल पत्ते ही तो हैं। आगे इसी बर्ड से बना है बडिंग, लेकिन डी डबल हो जाता है ना। बडिंग मीन्स होता है उभरता हुआ, है ना, बिगिनिंग टू डेवलप, है ना, और बिकम सक्सेसफुल। देखिए दो है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैं पहले जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल जो है खराघाट में आपका उसमें था, तो उसमें मैगजीन छपता था, उसमें कहा जाता था बडिंग पोएट्स के लिए। बडिंग पोएट्स या बडिंग ऑथर्स मतलब जो उभरते हुए, जैसे आप स्टूडेंट हैं अभी आप नया नया लिखना शुरू कर रहे हैं कोई पोएम कोई कुछ, या यही बडिंग आप क्रिकेटर बन रहे हैं तो उभरता हुआ है, या फिर सक्सेसफुल होता हुआ भी हो सकता है। या तो शुरुआत आप कर रहे हैं बिगनिंग कर रहे हैं, या दोनों बातें कि या तो बिगनिंग कर रहे हैं तब भी है, या फिर आप सक्सेसफुल होना शुरू हुए तब भी जो है आप बडिंग कहलाएंगे। इसी से बना है बडी, हालांकि मतलब इसी से नहीं बना है, बना तो ये अलग मतलब वर्ड ऐसा ही है। बडी मीन्स होता है यार, हेलो, है ना, वगैरह कहते हैं। ये इनफॉर्मली कहिए तो एक फ्रेंड हुआ है ना, इनफॉर्मल फ्रेंड, अरे यार ऐसे नहीं कहते, इनफॉर्मल होता है। अगला लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि अगले का 3 स्टार वाला है ना, डी यू बी यू टी, देखने में डीबट डेबुट कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, ये है डेब्यू। डेब्यू का मतलब होता है पहली बार रंगमंच पर आना या प्रथम दर्शन होना। ये कभी भी किसी भी फिल्म में कोई हीरो हीरोइन पहली बार आता है तो इंट्रोड्यूसिंग लिखेगा, या फिर उसने फलाने फिल्म से डेब्यू किया, न्यूज़ वगैरह में भी बोलेगा। अभी तो मैंने हाल ही में देखा ये रूस की जो वैक्सीन आई है कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए, तो उसमें स्पुतनिक वी में ये के न्यूज़ में लिखा हुआ था कि है ना डेब्यू ऑफ रशियन वैक्सीन, है ना। तो यहाँ पर उस सेंस में यदि कहेंगे तो प्रथम दर्शन के अर्थ में आप ले सकते हैं उसको, कि पहली बार जो है सो दिखा, तो इस सेंस में है। अगला है हमारा, है ना, ये है न्यूमोनिया, है ना, ये पी से शुरू हो रहा है, देखेंगे पी से शुरू हो रहा है पी, लेकिन साइलेंट हो जाएगा, है ना। न्यूमोनिया उच्चारण है न्यूमोनिया, बट हिंदी में हम लोग निमोनिया कहेंगे, एक बीमारी है, जानते होंगे सर्दी जुकाम से ही शुरुआत होकर ये भी ज़्यादा होता है। आज कोरोना भी सर्दी जुकाम से ही होता है। सर्दी जुकाम एक ऐसी बीमारी जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं, वो सबको होना ही होना है। चलिए तो कहने का मतलब है आज हमारा जो पिछले 2 दिनों से चल रहा था, तीसरा दिन है, हमें ऑल काइंड्स ऑफ जो है वो एडजेक्टिव मतलब छांटने हैं, लेकिन इसमें काइंड्स भी बताने हैं। 2 दिन था उसमें काइंड्स नहीं बताना था, लेकिन मैंने जो है वो आपको कहा था कि चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें बताना है, तो आप लोगों ने बना लिया होगा। पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स, है ना, कि किस क्लास है यानी किस काइंड से वो बिलोंग करते हैं। इसलिए मैं लिखता हूँ टू ग्रुप्स क्लास, है ना, हमें बांटा गया भर में, आपने देखा होगा। चलिए तो पहला है आपका दीज बुक्स आर हर्स, इसमें दोज बुक्स आर हर्स, इसमें हो जाएगा आपको, है ना, दोज। दोज कौन सा हो जाएगा, तो ये रटंत विद्या है, दिस दैट दीज दोज जो आते हैं वो आपको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके अलावा सेकंड में आपको हर जो है यह भी आपको रटंत विद्या में है, ये पजेसिव एडजेक्टिव में है। और तीसरा में आपने क्या बनाया, संभव हो तो जल्दी से कमेंट कर दें, देखता हूँ आप लोगों ने क्या बनाया। चलिए भाई साहब, तो मेरा वही पुराना डायलॉग रहेगा कि मैं अपने कोचिंग में कहता हूँ देख बच्चा पीछे मछली होगी पकड़, तो बच्चे इधर उधर एक आध देखते हैं, बाकी ज़्यादातर नहीं देखते, कहते हैं यहाँ तो पानी है नहीं, मछली कहाँ से आएगा। उसी प्रकार से इसमें एडजेक्टिव है नहीं, तो एडजेक्टिव आएगा कहाँ से, तो ऐसे सवालों के जवाब में हम क्या करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन में है तो हमको कुछ ना कुछ जवाब लिखना होगा, है ना। अरे भैया जब है ही नहीं तो लिखोगे क्या, तो उसकी जगह आप लिख सकते हो नो एडजेक्टिव, ठीक है। इसकी जगह आपको लिखना है नो एडजेक्टिव, या कोई भी चीज़ में नो वर्ब है, नो नो एरर है, गलती ढूंढना है, गलती नहीं हो तो नो एरर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, तो है ईच बॉय हैज ए पेन, इसमें ईच हो जाएगा, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच ऑफ देम गॉट ए प्राइज, फिर वही 3 वाली बात है भाई साहब, 5 नंबर में भी आपको कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नो एडजेक्टिव, ये ध्यान में रखेंगे। ऐसे कई सवाल आएंगे जहाँ नहीं है तो वहाँ जबरदस्ती थोड़ी लगाना है हमें, ठीक है। फिर आ जाइए 6 में, आइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर केवल दिस होगा, दिस के बाद नाउन है यहाँ पर, ये दिस तो अभी मैंने बताया, दिस दैट दिस दो, और सच जो है ये 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं।
अगला है 7 नंबर में एवरी, है ना, एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। उसके बाद व्हाट कलर डू यू लाइक, यहाँ पर व्हाट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद कलर नाउन है, तो ये तो प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार 9 में जो है केवल हुज होगा, दोज नहीं होगा क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, हुज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और लास्ट है इसमें विच नहीं होगा क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, यहाँ पर योर हो जाएगा। और ये जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये रटन विद्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपका आज हमारा वही जो कल हम लोगों ने वर्ब पढ़ा था उसी से रिलेटेड आज है कि हम आज डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रिंसिपल वर्ब की। द वर्ब्स यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब्स, है ना। जो वर्ब्स है या तो अकेले यूज हो सकते हो, ठीक है, या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हो सकते हो, उसी को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। इनके 5 फॉर्म्स होते हैं, यानी 5 रूप होते हैं। फॉर्म्स मीन्स रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सब लोग पहले से जानते होंगे, ठीक है। V1 होता है जैसे गो हो गया, V2 होता है जैसे वेंट हो गया, V3 हो गया जैसे कि गॉन हुआ, V4 हो गया गोइंग हो गया, V5 हो गया गोज हो गया। दो बातें ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले यहाँ मैंने लाइन दिया, क्यों लाइन दिया, क्योंकि हम लोग याद सिर्फ ये 3 ही करते हैं, V1 V2 V3, क्योंकि V4 V5 इसलिए नहीं याद करते कि इसमें सब में ING लगता है, और इसमें V5 नहीं इसलिए याद करते, सब में SER ES लगता है, ठीक है। तो मेनली हम 3 को ही इसलिए याद करते, बुक्स वगैरह में भी जनरली दिया रहता है यही। वैसे आपने PDF से पढ़ा भी होगा, है ना, याद कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है ऑफलाइन होता तो मैं सुनता आप लोगों से। खैर एनीवे, लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि मैं ये बोल दिया या आपके बुक में भी जूनियर ग्रामर वगैरह में लिखा हुआ है V1 V2, एक्चुअली ये कोई किसी बुक में नहीं है, किसी ग्रामर में नहीं लिखा कि ये V1 V2 होता है। ये हम अपनी सुविधा के लिए verb 1 verb 2 verb 3 verb 4 verb 5 बोलते हैं, बट वास्तव में इसके नियम है, और नियम क्या है वो मैंने नीचे दे दिए। बहुत कम लोग इसको याद रखते हैं, आपको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है, सिर्फ V1 V2 कहते रहते हैं। ये प्रेजेंट फॉर्म हुआ, फॉर्म मैंने लिखा हूँ, ये V2 जो हुआ एक्चुअली उस पास्ट फॉर्म को कहते हैं, और V3 जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को कहते हैं, इसी प्रकार V4 जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को कहते हैं, है ना, और V5 जो है वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। चलिए अब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं उसका डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब्स, ए हेल्पिंग वर्ब और एक्जुलरी वर्ब दोनों एक ही है पता ही है, इज वन विच हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब, है ना, जो कि प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करता है टू फॉर्म ए टेंस वॉइस मूड ETC, है ना, टेंस वॉइस मूड बनाने में जो हेल्प करे, जैसे आई एम रीडिंग, आई हैव ए पेन, आई कैन डू इट। अब इसमें एक बात आपको आज गांठ बांध लेनी है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं जब भी होगा क्लास आपका ऑफलाइन शुरू हुआ या ऑनलाइन में भी, मैं आपसे एक सवाल बराबर पूछूंगा, हाँ जी बताओ प्रिंसिपल वर्ब क्या। आपको डेफिनेशन याद हो ना हो, 3 इडियट्स में जैसे उसने सिंपल भाषा में बताया था, है ना, रणछोड़ दास ने, वैसे आपको बताना है कि प्रिंसिपल वर्ब क्या, तो आपका एक लाइन का जवाब होना चाहिए। जो लोग 12 में है वो मैं पता होगा, 11 में मैंने पढ़ा है, एक लाइन में बोलना है कि सर जिसका V1 V2 V3 होता है वही प्रिंसिपल वर्ब है, बस इतना ही नॉर्मल सा हमें जवाब दे देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये जनरल सिलेबस यहाँ पर समाप्त हो गया, अब जो है सो लिटरेचर का सिलेबस है। तो जैसा कि आप सबको पता है इसमें मैं क्या करता हूँ, आपको पिक भेज देता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ इसका वीडियो रहता है, आई बटन में भी रहता है, आपके ग्रुप में भी जाता है, वहाँ से आप इसको पढ़ेंगे, मैं सिर्फ यहाँ रीडिंग दिला देता हूँ, है ना, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा। और हाँ, इसको याद भी कर लेना है, समरीज सब सारे ही आपको याद करने, खासकर शुरू के 5 जो है गारंटीड है, उसमें से एक न एक समरी आपके 2022 के एग्जाम में आएगा ही आएगा ही आएगा। चलिए तो रीडिंग शुरू करते हैं। पहला है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एन एमिनेंट, ब्रैकेट वाला पढ़िए या न पढ़िए, इंडो एंग्लियन पोएटेस कमला दास, पोएटेस भी लिख सकते हैं, पोएट भी लिख सकते हैं। In this poem, she remembers the happy days spent in her family home in the sweet company of her grandmother. It was a place where she felt secure. She was loved by all, especially by her grandmother. Her life was full of happiness there. But after marriage, the poetess moved away from that house. लेकिन मैरिज के बाद तो लड़की है तो उनको मूव करना ही पड़ा, उसका नतीजा क्या हुआ, तो now her grandmother is no more, no more means जिंदा नहीं है,
snakes have started moving among the books and in the house. The poetess was too young to read those books while she was living there. She often, इसको ध्यान से often नहीं पढ़ेंगे, often thinks of going there to look through the blind eyes of the windows or to, ध्यान से listen, इसको listen नहीं पढ़ेंगे, listen to the frozen air. In despair, she thinks to bring an armful of darkness and keep it behind her bedroom's door. Here, darkness symbolizes peace. Thus, THUS याद रखेंगे, thus, thus, thus नहीं पढ़ेंगे. Thus, this is a fine autobiographical poem. ठीक है, एक नोट है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ सकता है. समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय कमला दास, उन्हीं के द्वारा लिखा गया, उसी में से है. वर्ड मीनिंग्स जैसा कि हमारे सब में रहता है, मैंने इसमें भी दे दिया है. ठीक है, वर्ड मीनिंग्स को आप ध्यान से देख लेंगे. वर्ड मीनिंग्स से आपको पढ़ने में उच्चारण भी मैं दे देता हूँ, मीनिंग भी दे देता हूँ. तो ये दिया हुआ नीचे इंडो एंग्लियन क्या है, द इंडियन इंग्लिश एंड रेफर्स टू द बॉडी ऑफ वर्क रिटन बाय राइटर्स इन इंडिया हु राइट इन इंग्लिश. इंडिया में ही रहे बट इंग्लिश वो लिखे, तो इंडो एंग्लिकन है. चलिए, तो आज का इतना ही था, मिलते हैं फिर, अब ट्यूसडे को मिलेंगे हम लोग, है ना. तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.